हे ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ओल्ड क्रिकेट विच वॉज प्लेड इन 80s एंड 90s अगेंस्ट मॉडर्न क्रिकेट और यू कैन से प्रेजेंट क्रिकेट। वैसे तो क्रिकेट शुरू से ही इंडियंस की जान रहा है, लेकिन कुछ दशकों के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं क्रिकेट के खेलने के तरीके में और उसे समझने के तरीके में। कुछ जैसे कि रूल्स के अंदर चेंजेस आए हैं, टेक्निक्स में चेंजेस आए हैं, स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे उन्हीं चेंजेस की कि किन रीजंस की वजह से ये चेंजेस आए हैं और वो कौन कौन से चेंजेस है जिसने क्रिकेट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना दिया है। फर्स्ट इज ट्रेनिंग। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की बैक इन 80s और 90s, उस ट्रेनिंग के अंदर किसी भी नेशनल टीम के अंदर हमने देखा होगा कि एक हेड कोच होता था विद 2 or 3 फिजियोस। लेकिन अब कि क्रिकेट नेशनल टीम्स के अंदर एक हेड कोच होता है विद हेल्पिंग स्टाफ ऑफ बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच एंड बैटिंग कोच। अब के क्रिकेट के अंदर हर एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक कोच बनाया गया है विद एटलीस्ट 2 to 3 फिजियोस एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स। और ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे कि हम बात करें आजकल की ट्रेनिंग की, तो बैट्समैन अपने हिसाब से बॉलिंग मशीन्स के अंदर चेंजेस कर सकता है विद स्पीड, लाइन एंड लेंथ एंड अकॉर्डिंगली बॉल्स को खेलने की प्रैक्टिस कर सकता है। बैक इन 80s एंड 90s ये सुविधा शायद उपलब्ध नहीं थी और बैट्समैन एक लिमिटेड टाइम तक ही बॉल्स को खेल पाता था, चाहे बॉलर किसी भी पेस पे या किसी भी स्ट्रैटेजी से बॉलिंग कर रहा हो। लेकिन अब ट्रेनिंग बदल गई है। सेकेंड, फिटनेस। फिटनेस हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस द एंड ऑफ 90s। आजकल के क्रिकेटर्स अपने आप को 100% फिट रखने में पूरी की पूरी जान लगा के रखते हैं, चाहे हम बात करें ऑन फील्ड या ऑफ द फील्ड की। ऑफ द फील्ड क्रिकेटर्स जिम के अंदर खूब पसीना बहाते हैं और इनफैक्ट स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। वो अपने को आपको इस तरह से काबिल बनाते हैं कि वो किसी भी टाइम पर किसी भी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। इनफैक्ट आप देखेंगे कि एक छोटी सी चोट शायद करियर भी ख़राब कर सकती है, इसीलिए प्लेयर्स अपनी फिटनेस और अपने बोन स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट क्रिकेटर्स की डाइट भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। सभी टीमों के पास एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है जो आने वाले हफ्ते का डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू द गोल और द नीड ऑफ द प्लेयर पहले ही दे देता है, जिसको प्लेयर फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द रिजीम। आई होप इफ यू हैव केम सो फार ऑन दिस वीडियो यू मस्ट हैव लाइक दैट एंड इट मस्ट बी एंगेजिंग, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अगर यू फील लाइक। इफ जस्ट इन केस इफ यू डोंट, देन जब तक हम आपकी आशा पे खरे नहीं उतरते तो प्लीज सब्सक्राइब मत करिए। थर्ड, इक्विपमेंट्स। Now, with the changes in time, cricket has also evolved in change of equipments. अगर हम बात करें क्रिकेट बैट की, तो 2017 जुलाई या सितंबर से पहले हम अपने हिसाब से अपना बैट चुन सकते थे, whether its height, weight और depth of the bat. But जुलाई 2017 में ICC ने restrict कर दिया height, width और depth of the bat को। जैसे कि अब हाइट 38 इंचेस की हो सकती है मैक्सिमम विद अ विड्थ ऑफ 4.25 इंचेस एंड डेप्थ ऑफ 2.64 इंचेस ओनली। क्रिकेट बॉल्स के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। क्रिकेट बॉल पहले वेट करती थी क्लोज टू से अबाउट 140 टू 170 ग्राम्स, जिसका सरकमफेरेंस होता था 8.81 इंचेस। बट विद द न्यू लॉ नाउ द बॉल कैन वे ओनली से अबाउट 155 grams to 160 grams and the circumference is going to be only 9 inches only. और क्रिकेट के गेयर्स जैसे कि ग्लव्स, हेलमेट्स, शूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं विच हेल्प अ प्लेयर इन इट्स रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस। फोर्थ, टेक्नोलॉजी डिमांड। टेक्नोलॉजी की डिमांड 21st सेंचुरी में क्रिकेट को खेलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, जिससे प्लेयर्स और अंपायर्स को भी काफ़ी मदद मिल रही है विद टेकिंग अ राइट डिसीजन। 20th सेंचुरी के अंदर ये फैसिलिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। अगर हम बात करें आज के मॉडर्न क्रिकेट की, तो स्नीकोमीटर, हॉटस्पॉट, बॉल ट्रैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा की मदद से हम सही डिसीजन ले सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप अंपायर के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऑपोजिशन टीम के खिलाफ DRS की मदद ले सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया। DRS की मदद से आप उस डिसीजन का रिव्यू ले सकते हैं और थर्ड अंपायर उसको स्क्रीन पर देखते हुए ये डिसीजन दे सकता है कि ऑन
फील्ड अंपायर का डिसीजन सही था या गलत था, एंड अकॉर्डिंगली शायद गेम चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये 20th सेंचुरी के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी। सो टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अ क्रिकेट अ लॉट। इन फैक्ट टेक्नोलॉजी की मदद से अपोजिशन टीम एक दूसरे की डिफ़िकल्टीज़ लेवल और स्ट्रेंथ लेवल पर भी खासा ध्यान देती है। फिफ्थ, मनी। अगर पैसे की बात नहीं करी तो ये टॉपिक बेकार ही था। पैसा अब क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा आ चुका है कि अगर बेकार से बेकार प्लेयर हो तो वो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है। अगर हम बात करें आजकल की लीग्स जो खेल रही हैं T20 की, डिफरेंट कंट्रीज़, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स को काफ़ी पैसा देता है। इनफैक्ट कुछ क्रिकेटर्स इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदने के बाद, महंगी महंगे घर खरीदने के बाद और अपने तरह तरह के शौक़ पूरे करने के बाद, मतलब समझ ही गए होगे आप, तब भी पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाते। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तो आप बात छोड़ दो, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी इतना पैसा आ चुका है। जैसा कि एक एग्जांपल है IPL, IPL के अंदर इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स इतना अच्छा पैसा कमा लेते हैं कि शायद वो एक लग्जूरियस लाइफ आराम से जी सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा जयदेव उनादकट का, जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को मैं शाबाशी दूंगा कि जिन्होंने इन्हें 2018 में 11 करोड़ 50 लाख में ख़रीदा, और 2019 में तो राजस्थान रॉयल्स को चांटे पड़ने चाहिए कि इन्होंने दोबारा उसको 8 करोड़ 40 लाख रुपए में ख़रीद लिया। इनफैक्ट 2018 की अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो जयदेव उनादकट की इकोनॉमी रेट वॉज 9.65 पर ओवर। इसके बाद जब उन्हें 2019 में 8 करोड़ 40 लाख रुपए मिले तो गुस्से में इन्होंने अपनी इकोनॉमी रेट 10.66 ही कर दी। और मतलब सोचने वाली बात यह है कि आज भी राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे। धन्य हो राजस्थान रॉयल्स, आपने अपनी टीम तो ख़राब कर दी लेकिन इनकी ज़िंदगी ज़रूर बना दी। ये था थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन ओल्ड क्रिकेट एंड मॉडर्न एरा क्रिकेट ऑफ टुडे। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब मत करना, हमारा दूसरा वीडियो देखना, शायद दूसरा वीडियो आपको पसंद आ जाए। और हमारे दूसरे वीडियो को वेट करिए। टिल देन कीप इट रोलिंग।